$160 का ऑर्डर था और कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं मांगी थी, फाइवर चॉइस ऑर्डर भी था, ये डिटेल नहीं मांगी थी, तो सिर्फ ऑर्डर डायरेक्टली स्टार्ट हो गया था। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो पिछली शायद वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें हमने एक जिक्र किया था एक क्लाइंट के साथ में जो चैट थी वो मैंने आपको दिखाई थी, कैसे कैसे मैंने क्लाइंट के साथ में बातचीत की है और किस तरह से क्लाइंट ने जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट किया है। और सारी चीजें जो है वो मैंने ऑर्डर में कर दी थी, मतलब चैट में कर दी थी, और उसके बाद में मैंने जो है वो ऑर्डर सेंड किया था। तो वो सारी चीजें पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, ये वीडियो देखने से पहले, ताकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर सकूं कि कैसे कैसे मैंने ये बातचीत करके कैसे ऑर्डर लिया है और कैसे हम इसको आज डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ नई चीजें होंगी, कुछ जो है हम पहले डिजाइन करते थे वैसी होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जो है वो पिछले जो चैट में जो ऑर्डर लिया था मैंने, उसमें जो पेज मैंने डिजाइन किया था वो मैं आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने वो पेज डिजाइन किया था और किस तरह से जो कुछ एक एडवांस चीजें थी वो उन्होंने मांगी थी तो वो हमने की। जैसा कि हम करते हैं, हम जैसे जो क्लाइंट की वेबसाइट है वो प्रो एलिमेंटर से मैंने बनाई थी, लेकिन आज हम जो डेमो के लिए हम फ्री एलिमेंटर से वो सेम पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यही होने वाला जी आज की वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये वो ऑर्डर था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, मैंने कस्टम ऑफर सेंड किया था, और एक्सेप्ट करने के बाद में जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है। ये इसमें जो पेज है वो पेज मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो डेमो पेज था उनका, उन्होंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो मांगा था कि इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। कुछ एक चीज़ें हैं जो इन्होंने रिमूव कर दी थी, कॉन्टेंट जो है कॉन्टेंट उनका उनके हिसाब से, जैसे कि कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये उनको नहीं चाहिए था ये उन्होंने रिमूव करवा दिया था, और ये जो चीज़ें हैं इनकी जगह मैंने कुछ अलग डिज़ाइन किया था, और जो मैंने डिज़ाइन किया था पेज वो भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये वो पेज है, ये वो डिज़ाइन है जो मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया था। यहाँ पे मैंने उनका लोगो चेंज कर दिया है प्राइवेसी के लिए, क्लाइंट की प्राइवेसी होनी ज़रूरी है, तो मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, लेकिन डिज़ाइन यही था। ठीक है, जो ये डिज़ाइन है ये मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया था। देखिए, फर्स्ट जो सेक्शन है वो इस तरह से उन्होंने मांगा था, तो इस तरह से हमने उसको डिज़ाइन कर दिया। सेकेंड जो सेक्शन है वो इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन मांगा था, ये देखिए इस तरह से। ये जो फॉर्म है, ये आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसमें उन्होंने एडिट मांगा था कि फॉर्म रिमूव कर दीजिए, तो हमने वो यहाँ पे रिमूव कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ बटन है। उसके बाद में ये सेक्शन है जो हमारा, ये जो सेक्शन है ये वाला, इसकी जगह पे हमने इस तरह से इस सेक्शन को डिज़ाइन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है ये उनको नहीं चाहिए था, ये हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद में ये सेक्शन है, इस सेक्शन को हमने कुछ इस तरह से बनाया है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये दो बटन उन्होंने बाद में ऐड किए हैं जो कि डिज़ाइन में नहीं थे। उसके बाद में ये सेक्शन है जो कि टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, ये उनको नहीं चाहिए था, मतलब कंटेंट उनका कम था, तो कुछ चीज़ें हमने जो है वो रिमूव कर दी। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हम टेस्टिमोनियल में, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद में ये फॉर्म उनको नहीं चाहिए था, और जो है वो एंड में ये जो चीज़ें हैं ये जैसे मैप वगैरह उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, सिंपल उन्होंने तीन जो इमेजेस जो उन्होंने सेंड की थी ऑर्डर में वो इमेजेस यहाँ पे यूज़ करनी थी, और उसके बाद में नीचे फुटर हमने लगा दिया है। तो इस तरह से जो है ये पेज मैंने डिज़ाइन किया। अभी ये पेज मैंने डिज़ाइन कैसे किया, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि जब हम इसको, जैसे यहाँ पे देखिए ये मोबाइल नंबर शो कर रहा है, मोबाइल नंबर शो कर रहा है, लेकिन जब हम इसको मोबाइल में शो करेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। देखिए, क्लिक टू चैट टेक्स्ट अस, ठीक है, क्लिक टू टेक्स्ट अस, यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है, और उसके बाद में दो बटन शो होंगे यहाँ पे, एक तो डेस्कटॉप के लिए एक मोबाइल के लिए, ये भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ठीक है, ये हम पेज आज बनाने वाले हैं, तो शुरू से करते हैं इसको स्टार्टिंग से। सबसे पहले एक सिंपल सा हेडर है, तो पेज बनाने के लिए हम सिंपल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देख लीजिए एलिमेंटर फ्री एलिमेंटर है, यहाँ पे अपग्रेड शो कर रहा है, मतलब कि प्रो नहीं है। उसके बाद में पेजेस में जा करके यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे हम पेज का नाम देते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, उसके बाद में हम इसको टेम्पलेट करेंगे एलिमेंटर कैनवस, और इसको पब्लिश कर देंगे पब्लिश, ये देखिए पब्लिश हो चुका है। अभी हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, ये एलिमेंटर का जो डिज़ाइनर है वो ओपन हो चुका है। अभी हम यहाँ से सेक्शन डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे हेडर के लिए, और हेडर में हमारा एक तरफ लोगो है एक तरफ टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे और एक बार फिर से डुप्लीकेट करेंगे,
सेक्शन को एडिट करेंगे, इसमें थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं हम 10 पिक्सल की। उसके बाद में सेक्शन के बैकग्राउंड में वाइट कलर ऐड कर देते हैं, वाइट कलर। और उसके बाद में इसको बॉर्डर में जाएंगे और बॉक्स शैडो में हम इसमें थोड़ी सी ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको ब्लर कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में स्प्रेड जो है इसको कम कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ड्रॉप शैडो हमने ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमें एक लोगो चाहिए, तो मैं ये जो भी इमेजेस इसमें यूज़ की हुई हैं वो सारी मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस मैंने अपलोड कर ली हैं। यहाँ से हमें लोगो चूज करना है, ये वाला लोगो मैं चूज करूँगा यहाँ पे, और इसका साइज़ जो है वो यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे। और ये जो कॉलम है इसको हम एडिट करेंगे। इसमें कुछ पैडिंग होती है डिफ़ॉल्ट, वो हम 0 कर देंगे या फिर 5 पिक्सल कर देंगे, ठीक है, या फिर 0 ही कर देते हैं, ठीक है, 0 कर देंगे। यहाँ पे हमें चाहिए, जैसे इन्होंने जो बटन ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमें चाहिए एक बटन जिसमें नंबर हो। इस नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक बटन ले कर आएंगे, बटन, ठीक है। और इसका विड्थ जो है, अलाइनमेंट जो है, जस्टिफाइड कर देंगे पूरे में, और इसमें नंबर ऐड कर देते हैं। आइकन हम ऐड कर देते हैं यहाँ से, फ़ोन का जो आइकन है ये वाला इंसर्ट करेंगे। और यहाँ से कॉलम की विड्थ को हम कम करेंगे, ठीक है, जैसा हमें चाहिए उसके हिसाब से। कलर आप जो भी चाहिए वो यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, कोई और भी यूज़ कर सकते हो, कलर आप चेंज कर सकते हो आराम से। तो कलर पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ लेआउट और फंक्शंस जो हैं वो कुछ एक उन पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर है और ये सेंटर में है, तो सेक्शन को हम एडिट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और वर्टिकल अलाइन में हम इसको मिडिल करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए इसके बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे और इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो हमारे हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना हम इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट का साइज आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आप पॉपिंस का यूज़ करने वाला हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बटन जो है वो हो चुका है। उसके बाद में सेकेंड जो सेक्शन है उस पर हम मूव करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर हमें करनी है, जैसे कि जो भी हमें डिज़ाइन लगता है हमें चेंज करना है, जो भी स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है वो आप रिमूव कर सकते हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये सेटअप करने की ज़रूरत है वो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले इसमें डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग हम डालते हैं वो डाल देते हैं 20 पिक्सल और ऊपर टॉप और बॉटम में हम 50 पिक्सल की जो है वो पैडिंग डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ है एक हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके बाद में हेडिंग है और उसके बाद में टेक्स्ट है, और बैकग्राउंड में जो है वो एक स्लाइड है, मतलब इमेज ही चेंज हो रही है हर बार। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एडिट करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड टाइप में आपको अब की बार क्लासिक की बजाय स्लाइड शो एडिट चूज करना है। स्लाइड शो में जाने के बाद में आपकी जो भी इमेज अपलोडेड हैं, कोई भी इमेज, जैसे इनमें अलग इमेज यूज़ की गई है लेकिन मैं डेमो के लिए कुछ अलग यूज़ कर देता हूँ, ये दोनों इमेज मैं यूज़ कर देता हूँ स्लाइड शो के लिए। क्रिएट ए न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी, ठीक है। उसके बाद साइज हम बैकग्राउंड साइज हम कवर रखेंगे और बैकग्राउंड पोजिशन को हम सेंटर में रखेंगे ताकि ये सेंटर में रहे। उसके बाद बैकग्राउंड ओवरले हम ऐड करेंगे ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर से, ताकि जब हम जो इसके ऊपर टेक्स्ट डालने वाले हैं वो आराम से शो करें हमें। और यहाँ पे हम कॉलम को डुप्लीकेट करेंगे और इस तरफ हम टेक्स्ट को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग में हम डाल देते हैं जो भी इन्होंने लिख रखा है, जंक रिमूवल, तो यहाँ पे हम जंक रिमूवल लिखेंगे। उसके बाद में दूसरी हेडिंग है बेस्ट प्राइस गारंटीड, तो इसी को मैं एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसमें ये डाल देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद में हमारा टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट एडिटर को लेके आएंगे यहाँ पे और जो हमारी टेक्स्ट है वो हम कॉपी करके इसमें डाल देते हैं। ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अभी हम कलर और डिज़ाइन को हम ठीक करने वाले हैं। सबसे पहले है जंक रिमूवल, जो कि सब हेडिंग के रूप में इसको यूज़ किया गया है, तो इसको मैं हल्का येलो कलर में यूज़ करने वाला हूँ इस तरह से। और साइज जो है इसका थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, 50 या 45 पिक्सल हम इसको यूज़ करेंगे, 700 पिक्सल इसकी जो वेट है वो हम करेंगे। और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ पॉपिंस से, क्योंकि एक पेज जो आप बनाते हो उसमें एक ही फॉन्ट का अगर आप बार बार यूज़ करो तो बेहतर रहता है, उसमें अच्छा रहता है वो। उसके बाद में बेस्ट प्राइस जो है इसमें भी हम क्या करते हैं, यही फॉन्ट यूज़ करते हैं पॉपिंस, और 800 पिक्सल जो है इसकी या फिर 700 पिक्सल जो वेट है इसका हम वो रख लेते हैं। साइज इसका हमें इंक्रीज करना है इस तरह से, ठीक है, 65 पिक्सल हम रख लेते हैं। और इसका कलर हमें वाइट करना है। अभी हम आ जाते हैं सब एडिंग में, मतलब कि जो टेक्स्ट है नीचे उसमें, इसका कलर हमें वाइट करना है और फॉन्ट का डिज़ाइन आप आराम से यहाँ से
चेंज कर सकते हो। मैं इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ। लाइन आइटम है अगर इंक्रीज या डिक्रीज करनी तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें नीचे एक बटन ऐड करना है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से और इसके नीचे जो है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जस्टिफाइड किया गया है हमें, तो यहाँ से हम अलाइनमेंट को हम लेफ्ट करेंगे। और अगर फॉन्ट का साइज या बटन का साइज इंक्रीज करना है तो हमें सिंपली यहाँ से साइज में जाएंगे और मीडियम यूज करेंगे, और ये हमारा जो सेक्शन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये जैसे इसमें ऊपर से ज़्यादा स्पेस है, नीचे ज़्यादा स्पेस है, वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप एक काम कीजिए, इसको सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए, एडवांस में जाइए और यहाँ पे 100 पिक्सल और टॉप में भी 100 पिक्सल हम ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेआउट में जा करके हाइट जो है इसकी हम मिनिमम हाइट में सिलेक्ट करके हमें जितनी भी हाइट इसकी चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो इस यहाँ से जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरह से हमारा एक पहला जो सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। और इसमें जो बटन्स हैं, जैसे जो मोबाइल में शो होंगे और डेस्कटॉप में अलग शो होंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक बार इसका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद में नीचे एक सेक्शन है, उसमें सब हेडिंग है, फिर हेडिंग है और एक बटन है। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे यहाँ से और इसमें हमारी जो नॉर्मल पैडिंग्स हैं वो ऐड कर लेते हैं 20 पिक्सल और टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में इसमें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर हमें करना है, तो हम इसमें जल्दी से बैकग्राउंड में ग्रीन कलर कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो सब एडिंग है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जो भी सब एडिंग है, नॉट श्योर ये है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं। इसका कलर हमें वाइट रखना है, तो इसका कलर वाइट करेंगे और इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा करेंगे 32 पिक्सल, और इसको हम सेंटर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी हेडिंग को मैं कॉपी करूँगा और इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और जो भी हेडिंग हमें डालनी है वो कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको हमें सेंटर में करना है। इसका साइज चाहो तो आप कम कर सकते हो इस तरह से, और इसका कलर हमें येलो करना है इस तरह से, और जो हमारा बैकग्राउंड है उसको येलो, जैसे जो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो हमें इसका ग्रीन कलर थोड़ा सा अलग चेंज कर देते ताकि येलो जो है वो पॉप हो यहाँ पे। उसके बाद में इन दोनों के बीच में गैप अगर हमें रिमूव करना है, तो कोई भी हेडिंग सेलेक्ट करके आप मार्जिन में जाइए, इसको अनलिंक कीजिए और बॉटम से जो है वो मार्जिन को नेगेटिव में लेके जाइए, तो यहाँ से गैप जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में नीचे एक बटन है, तो मैं इसी बटन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेंटर में करेंगे। बटन का साइज और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम, तो इसको हम एडिट करेंगे, साइज हम मीडियम करेंगे और टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 18 पिक्सल, और बैकग्राउंड हम इस बार हम व्हाइट चूज करेंगे और टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक चूज कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया ये वाला बटन, और हमारा सेकंड सेक्शन भी इस तरह से रेडी हो चुका है। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, एक ऊपर सब हेडिंग के टाइप में एक मतलब डिजाइन है, उसके बाद में हेडिंग है, टेक्स्ट है और 4 कॉलम्स हैं, जिसमें 4 फीचर मान लो या फिर 4 जो उनके ऑप्शंस हैं वे दिए हुए हैं, और नीचे एक बटन है। सिंपल है, हमें क्या करना है, हम इसी सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद में इसको हम एडिट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और बैकग्राउंड में हल्का सा ग्रे कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस हेडिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ और बटन पड़ा रहने देते हैं हम। हेडिंग में हमें करना है लेट्स ये यूज़ करना है, तो मैं इसकी को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर हमें ग्रीन करना है, तो कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं ग्रीन कलर। जो कलर्स हैं वो आप यूनिवर्सल कलर्स में यहाँ से सेव कर सकते हैं ग्लोबल कलर में, और सेम कलर आप हर बार यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो मैं वैसे ही रैंडमली कोई कलर चूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद में सब एडिंग में ये चीज़ें डालनी हैं, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और हमारे पास में जो टेक्स्ट एडिटर था ऊपर उसको मैं कॉपी करूँगा और इस टेक्स्ट के नीचे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और इसमें जो भी हमें टेक्स्ट डालना है वो डाल करके इसका कलर हमें क्या करना है, ब्लैक करना है, तो ब्लैक कर देते हैं, सेंटर में हमें इसको करना है। उसके बाद इसके बीच में गैप अगर कम लग रहा है तो हम इसमें गैप को रिमूव कर देते हैं। जैसे भी आपको एडिट करना है वो आप देख लीजिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें गैप जो है वो आ चुका है। अभी इस बटन को मैं कॉपी करूँगा और इस टेक्स्ट के नीचे पेस्ट करूँगा, उठा करके टेक्स्ट के ऊपर लेके जाऊँगा, हमें ये चीज़ है ये बनानी है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये लिख देंगे। आइकन जो है इसको हम नॉन कर देंगे और ये जो लिंक है इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसका साइज जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल करेंगे, और इसके बैकग्राउंड में हमें हल्का ग्रीन कलर किया हुआ है, तो हल्का ग्रीन हम यहाँ से करेंगे इसको, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से। तो हमारा ये जो टॉप वाला जो सेक्शन है ये रेडी हो चुका है। उसके बाद नीचे हमें क्या करना है, 4 कॉलम्स बनाने हैं,
एक मटेरियल डिज़ाइन इसमें कॉलम में यूज़ किया गया है, तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी वीडियो जल्दी जा रही है तो आप इसको पॉज करके आराम से बैक करके देख सकते हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनके नीचे में हम इनर सेक्शन लेके आएंगे। इनर सेक्शन लेके आने के बाद में हमें चार कॉलम्स चाहिए, तो मैं एक बार चार कॉलम्स यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरह से डुप्लीकेट करके। इसको हम एडिट करेंगे और बटन और इसके बीच में गैप नहीं है, तो हम एक बार इसको मार्जिन में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट कॉलम पे हम काम करने वाले हैं, स्टाइल पे जाएंगे और बैकग्राउंड टाइप में हम व्हाइट कलर करेंगे और बॉर्डर पे हम जाएंगे, बॉक्स शैडो को हम एडिट करेंगे और नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ 3 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 3 पिक्सल वर्टिकल और ब्लर इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ, स्प्रेड इसको मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ, ठीक है 6 पिक्सल या इसके आसपास। अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, वो अब जब शो करेगा जब हम इसमें कोई कंटेंट डाल देंगे। तो मैं यहाँ से एक इमेज डाल देता हूँ, ये देखिए अभी हमारे पास में जो शैडो है वो शो कर रहा है यहाँ पे इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, इमेज को चूज करना है, मैं इसी इमेज को यूज करने वाला हूँ, ठीक है ये देखिए। और नीचे हमें डालनी है एक हेडिंग टाइप से, इस सब हेडिंग टाइप से एक टेक्स्ट डालना है, तो उसके लिए या तो हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे और इसके अंदर ये टेक्स्ट डाल देते हैं और इसको इसके जैसा बनाना है सिर्फ, ठीक है। इसका साइज हमें कम करना है 20 पिक्सल और इसके नीचे हमने जो मार्जिन लगा रखा है उसको हम रिमूव कर देंगे और इसको हम एडिट करेंगे। स्टाइल में जाएंगे, देखिए ऊपर और नीचे गैप ज़्यादा लग रहा है, तो स्टाइल में जाएंगे, हाइट जो है वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। उससे पहले हम ऑब्जेक्ट फिट को कवर करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट की जो ये जो मतलब डिज़ाइन है वो चेंज ना हो, और इसको हम हाइट जो है इतनी रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसमें एडवांस में जाएंगे, मार्जिन चारों तरफ से 10 पिक्सल का ऐड कर देते हैं और पैडिंग 20 पिक्सल की हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये जो सेक्शन है इस तरह से रेडी हो जाता है। इसको हम एडिट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और टेक्स्ट कलर में जा करके हम इसको ब्लैक करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बाकी की जो कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं एक एक करके, डिलीट, ठीक है। और इस सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, हमारे चारों सेक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज चेंज करनी है और टेक्स्ट चेंज करना है, ये आप कर सकते हो आराम से, आपको बताया कि कैसे कैसे करना है। तो ये हमारा ये जो सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। नीचे बटन है, बटन का कलर अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही हम कॉपी करेंगे और इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इस बटन को मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब है ये सेक्शन और नीचे इसके है कॉलम और इसके हो, जब हम इसके ऊपर माउस ले जाते हैं तो ये इसके बॉर्डर में ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है वो आ जाता है, ठीक है। ये हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन हमारे पास में है रेडी ऑलरेडी है, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट। उसके बाद इसको हम एडिट करेंगे और बैकग्राउंड में जो हमने ग्रे कलर ऐड किया था उसको हम वाइट कर देते हैं। भी जो भी हमें चीज़ें डालनी है, जैसे बटन जो है ऊपर हमारे पास में, ये जो चीज़ है इसके अंदर हमें डालना है हाउ इट वर्क्स। हेडिंग है हमारी जंक रिमूवल, ठीक है। इसके नीचे जो मार्जिन है उसको हम रिमूव करेंगे पहले, उसके बाद में ये टेक्स्ट है इसको चेंज कर देते हैं, और हमारा जो है बटन है, ठीक है, ये बटन है इसको भी हम ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इसको हमें डुप्लीकेट करना है। अभी क्या करना है, हमारे पास में दो कॉलम बनानी है, एक तरफ इमेज रखनी है और दूसरी तरफ ये सेक्शन रखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया इनर सेक्शन जो है यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं, टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें इस तरह से। अभी ये भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, लेफ्ट साइड में इनको अलाइन कर देते हैं हर चीज़ को, स्टाइल में जा करके कॉन्टेंट लेफ्ट, और इसका टेक्स्ट एडिटर में जा करके लेफ्ट, बटन को भी हम जो है लेफ्ट साइड में। इसमें हम पैडिंग डाल देते हैं 20 पिक्सल की, ठीक है। यहाँ पे हमें इमेज लेके आएंगे और इसमें भी एक पैडिंग डाल देते हैं एक बारी 20 पिक्सल की, ताकि स्पेस जो है वो आ जाए। इमेज हम चूज करेंगे, जो भी इमेज हमें यहाँ पे डालनी है, जो मैं जो ये इमेज है वो डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और बॉर्डर रेडियस जो है इसमें 1000 पिक्सल ऐड कर देते हैं, ताकि चारों तरफ से अच्छे से कॉर्नर हो जाए। अब ये सर्कल नहीं लग रहा है, देखिए इस तरह से जो सर्कल बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट को बराबर करेंगे, ठीक है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ को यहाँ पे चूज करेंगे इस तरह से, 500 पिक्सल हम चूज कर देते हैं, और हाइट को भी हमें 500 पिक्सल ही चूज करना है, ताकि जो सर्कल है वो बन जाए, ये देखिए।
अभी जो है सर्कल लग रहा है, अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरफ इसको लेके आएंगे। जंक रिमूवल जो है इसकी साइज जो है वो हमें इंक्रीज करनी है इस तरह से, और इसको हम सिलेक्शन करेंगे, इनर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल अलाइन से इसको हम मिडल लेके जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो सेक्शन है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में हमें नीचे तीन कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स हमारे पास में है, इसको हम एडिट करेंगे और ऊपर जो है इनके बीच में स्पेस डालना है, तो ऊपर से हम 30 पिक्सल की स्पेस जो है वो ऐड कर देते हैं, एक जो सेक्शन है उसको रिमूव कर देते हैं, और हमें जो भी चीज़ डालनी है, जैसे एक हेडिंग है तो इस हेडिंग के अंदर मैं ये हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद में कुछ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट एडिटर हमारा ये है, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर लेके आऊँगा, पेस्ट करेंगे, ये टेक्स्ट हम डाल देते हैं, ठीक है। और एक आइकन है, तो आइकन डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आइकन को लेके आएंगे, ये राइट साइड में इसको लाइन करेंगे, और ये टेक्स्ट एडिट को हम एडिट करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा हम ग्रे कलर करेंगे, और साइज हम 16 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाइन करेंगे, इमेज को जो है हम वो डिलीट कर देते हैं इस तरह से। बॉक्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस अगर हमें ऐड करना है, तो कॉलम को एडिट करेंगे, एडवांस में जाएंगे और 25 पिक्सल का जो पैडिंग है वो ऐड कर देते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है चीज़ें वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम आइकन चूज़ कर सकते हैं, जो भी आइकन आपको चूज़ करना है, और उसको डिज़ाइन में जा करके हल्का सा ग्रीन कलर दिया हुआ है मैंने इसमें, ताकि थोड़ा सा दिखे बिल्कुल ही, और इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और बॉर्डर में जा करके बॉर्डर टाइप में हम सॉलिड करेंगे, और 2 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर ऐड करेंगे, और वो भी थोड़ा सा बिल्कुल ही ग्रे कलर, हल्का सा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, होवर पे जाएंगे, अभी हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे जा करके हम बॉर्डर टाइप दोबारा से सॉलिड करेंगे 2 पिक्सल का, लेकिन अब की बार इसका कलर करेंगे हम ग्रीन, ठीक है। जैसे ही हम अभी इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, तो ये ग्रीन कलर का हमें इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। साइज आप इसका चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसका साइज जो है हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लाइन हाइट थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको डिलीट करेंगे बाकी जो कॉलम्स हैं उसको, और इसी कॉलम्स को हम डुप्लीकेट करेंगे। तो ये हमारी तीन कॉलम जो है वो रेडी हो चुकी हैं। इनका कंटेंट हम आराम से चेंज कर सकते हैं, आइकन हम आराम से चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन इस तरह से जो है वो हो गया है। उसके बाद ये बटन अगर आपको यूज़ करने हैं, बनाने हैं, तो सिंपली एक सेक्शन बनाना था, उसको 2 कॉलम्स बना करके उसमें बटन ऐड कर देने हैं, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन मैंने नहीं बनाया, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। बना सकते हैं वैसे इसको, सिर्फ अभी क्या करना है मैं बना करके आपको दिखाई देता हूँ। सिर्फ आपको इनर सेक्शन यहाँ पे लेने हैं, इसको एडिट करना है, और मार्जिन ऊपर से हम 20 पिक्सल ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे जो बटन्स हैं, जैसे कि इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और सेंटर में कर दूँगा इसको, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और इस तरफ मैं जो है इसको लेके जाऊंगा। सिंपली ऐड हो चुके हैं, इसी टाइप से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नीचे है स्लाइडर है, और ये है जो टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, इसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर है वाई आवर क्लाइंट्स लव, मतलब एक हेडिंग है, तो इसके अंदर मैं वो हेडिंग ऐड कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद में हम एलिमेंटर में सर्च करेंगे टेस्टिमोनियल, जब हम टेस्टिमोनियल पे सर्च करते हैं, तो ये जो स्लाइडिंग वाला फीचर है ये लॉक है, ये हम सिर्फ प्रो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई ऐड ऑन कर सकते हैं एलिमेंटर के लिए, जिसमें स्लाइडिंग वाला जो टेस्टिमोनियल का फीचर है वो ऐड हो जाए, लेकिन फिलहाल हमारे पास में सिर्फ ये ही है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है, जो भी हमें तो यहाँ पे जो भी हमें टेक्स्ट डालना है वो यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। इमेज अगर किसी की यूज़ करनी है, मतलब जो रिव्यू देने वाला है उसकी अगर इमेज यूज़ करनी है, तो हम इमेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जिसका नाम है वो यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं, और उसकी जो पोजीशन रहेगी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे सिंपल नाम है और उसका रिव्यू है, इमेज भी नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, कंटेंट में जाएंगे, टेक्स्ट का कलर जो है वो हम वाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट को एडिट करेंगे टाइपोग्राफी में, और जो स्टाइल है इसका हम इटैलिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइटल या नेम को हम एडिट करेंगे, नेम का कलर भी हम वाइट करेंगे और टाइटल का कलर भी हम
हल्का सा वाइट कर देते हैं इस तरह से। इस सेक्शन को हम एडिट करेंगे और इसकी विड्थ जो है वो 1000 पिक्सल कर देते हैं इस तरह से। और इसको हम एडिट करके इसके बैकग्राउंड में हम हल्की सी इमेज ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी शो हो जैसे इसमें शो हो रही है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इस तरह से। बैकग्राउंड ओवरले पे जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप और इमेज सेलेक्ट करेंगे हम, ये वाली इमेज हम चूज कर लेते हैं। बैकग्राउंड साइज जो है हम कवर करेंगे और पोजीशन हम सेंटर सेंटर करेंगे और ओपेसिटी हम इसकी बिल्कुल ही हल्की सी रखेंगे इस टाइप से। बस इतना ही हमको काम करना है। ये हमारा टेस्टिमोनियल हो गया। और अगर भी टेस्टिमोनियल आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे 2 कॉलम्स बना सकते हो और अलग अलग टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्लाइडिंग का फीचर फ्री एलिमेंटर में नहीं है तो वो हमें थोड़ा सा इसको अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी अलग ऐड ऑन ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में नीचे 3 इमेजेस हैं तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन में हम नॉर्मल पैडिंग ऐड करेंगे 20 पिक्सल और नॉर्मली 3 कॉलम्स जो हैं यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसको साइज में जाएंगे और सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और विड्थ इसकी हम 1000 पिक्सल कर देते हैं छोटी सी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारी जो भी इमेज है, जो भी जैसे कि इन्होंने गूगल ट्रस्ट पायलट और येल्प की जो इमेज है वो ऐड की हुई है, मतलब यहाँ से इनको रिव्यूज़ वगैरह अच्छे मिल रहे हैं, तो वो अपना एक यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये ऐड हो गई, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो लोगो है वो चूज़ कर सकते हैं इस तरह से, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे तीसरा जो लोगो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, 20 पिक्सल की हम पैडिंग डाल देते हैं 3 कॉलम्स में, ठीक है, ताकि इनके बीच में जो इमेजेस के बीच में गैप है वो आ जाए। और भी अगर इनको छोटा करना है इमेजेस को तो सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ थोड़ी सी और हम कम कर देते हैं, जैसे 900 पिक्सल हम कर देते हैं, इस तरह से शो जाएंगी। और ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो गया है। नीचे हमारा फुटर का सेक्शन है और फुटर में हम क्या डाल सकते हैं, सिंपली एक सेक्शन बनाना है आपको, इसको एडिट करना है। ज़्यादा पैडिंग इसमें नहीं ऐड करनी है, सिर्फ 5 पिक्सल की पैडिंग आप ऐड कर सकते हो। और जो भी हमारा ये टेक्स्ट एडिटर है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड में इसमें हल्का ग्रीन कलर का मैंने यूज़ किया है तो इसको हम एडिट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड क्लासिक में करेंगे और हल्का ग्रीन कलर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एडिट को हम एडिट करेंगे, इसमें जो भी टेक्स्ट हमें कॉपीराइट के रूप में डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में स्टाइल में जाएंगे और अलाइनमेंट को हम सेंटर करेंगे, टेक्स्ट का कलर जो है हम ब्लैक कर देते हैं और टाइपोग्राफी में जा कर के थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। इसके नीचे जो स्पेस है उसको रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर के एडवांस में जाएंगे, मार्जिन को अनलिंक करके नीचे जो बॉटम में स्पेस है उसको हम नेगेटिव में ले जा करके हम ये रिमूव कर सकते हैं और इसको अपडेट करेंगे। हमारा पेज का जो लेआउट है वो तो रेडी हो चुकी है, लेकिन इसमें एक फंक्शन था, जो फंक्शन जो मेन था कि जो ये बटन है इसको मोबाइल में अलग शो करना है, डेस्कटॉप में अलग शो करना है। तो अभी जैसे कि ये डेस्कटॉप में ये शो हो रहा है, जब ये मोबाइल में शो हो तो इस ये कुछ अलग ही शो हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, आराम से इसको देखना, ये जो बटन है इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद में इसमें मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ फॉर मोबाइल, आपको समझाने के लिए, ठीक है। और इसमें हम टेक्स्ट डाल देते हैं फॉर डेस्कटॉप, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो सेक्शन है डेस्कटॉप का इसको हम एडिट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव में जाएंगे और हाइड ऑन डेस्कटॉप टैबलेट और मोबाइल, कहाँ पे हमें ये नहीं शो करना, तो हमें ये मोबाइल में शो नहीं करना, तो इसको हाइड करेंगे मोबाइल में। अभी मोबाइल वाली को सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल वाले बटन को, एडवांस में जाएंगे, रिस्पॉन्सिव में जाएंगे और हाइड ऑन टैबलेट और डेस्कटॉप, ये देखिए ब्लैक कलर का शो करने लग गया। अभी ये डेस्कटॉप में शो नहीं करेगा, अभी हम इसको एडिट कर रहे हैं तो हमें तो शो कर रहा है वो भी हल्का हल्का, लेकिन जब हम इस पेज को शो देखेंगे तो देखिए सिर्फ डेस्कटॉप वाला शो करेगा और जब हम इसको मोबाइल में देखेंगे तब फॉर मोबाइल वाला हमें शो करेगा। समझ आ गया आपको कि ये चीज़ें कैसे करनी है। डेस्कटॉप में अगर आपको शो करना है तो यहाँ से रिस्पॉन्सिव में जा करके हाइड ऑन मोबाइल कर दीजिए, और अगर मोबाइल में शो करना है सिर्फ तो आपको ये ऊपर वाली दोनों चीज़ें में हाइड करना पड़ेगा। सेम इसी बटन तरह से हम इस बटन को तो कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम एडिट करेंगे, एडवांस में जाएंगे और रिस्पॉन्सिव में जाएंगे, ये क्या करेंगे हाइड ऑन मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल में हट जाएगा और ये वाला शो हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे तो एक ही बटन है, यहाँ पे दूसरा बटन नहीं शो करने की जरूरत, तो यहाँ पे ये बटन पड़ा रहने देते हैं,
उसके बाद में यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको सेंटर में करेंगे, इसको स्टाइल में जाएंगे जो डेस्कटॉप वाला है, एडवांस में जाएंगे और रिस्पॉन्सिव से इसको हम हाइड ऑन मोबाइल करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा जब हम इसको मोबाइल पे करके व्यू करेंगे, तो देखिए फॉर मोबाइल शो कर रहा है, डेस्कटॉप वाला नहीं कर रहा है, फॉर मोबाइल वाला शो कर रहा है, डेस्कटॉप वाला नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी फॉर मोबाइल वाला शो कर रहा है। जब हम इसको डेस्कटॉप करेंगे तो हमें क्या शो कर रहा है, फॉर डेस्कटॉप वाला शो कर रहा है और यहाँ पे नंबर जो है, मतलब जो डेस्कटॉप में हमें नंबर शो करने थे वो शो कर रहा है, सेम इस तरह से यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो बटन का हब, जो रिक्वायरमेंट उनकी थी कि डेस्कटॉप में अलग चीज़ शो करनी चाहिए, मोबाइल में अलग शो करनी चाहिए, तो वो इस तरह से हमने कर दी है। तो इस तरह से हमारा पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। रिस्पॉन्सिव में जा करके, रिस्पॉन्सिव चीज़ें अगर आपको एडिट करनी है तो रिस्पॉन्सिव वाला बटन जो है उस पर क्लिक करके आपको चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। जैसे लोगों को हम सिर्फ 50% में शो करना चाहेंगे और बाकी का 50% जो है वो बटन्स के लिए है, 10% इसको दे देते हैं और इसको दे देते हैं हम 40%। ठीक है, आधी इस एक तरफ लोगो होगा, एक तरफ जो है बटन रहेगा और एक बटन जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अगर टेक्स्ट आपको एडिट करना है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे मोबाइल के हिसाब से। अभी जो भी एडिट करोगे यहाँ पे वो मोबाइल के बेस पे होगी। ठीक है, डिज़ाइन में आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हो, मतलब कि यहाँ से अगर आपने बेस्ट यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो हर जगह से डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसका साइज छोटा करना है तो यहाँ से डिज़ाइन की जो चीज़ें हैं वो आप अलग अलग डिवाइस के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, बाकी ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जो भी आपको लगे कि हाँ मोबाइल में इस तरह से शो होना चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज़ हम छोटा कर सकते हैं इस तरह से, बाकी ये चीज़ें ठीक है। ये देखिए इमेज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही तो इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पे हाइट जो है वो ज़्यादा है तो हाइट को हम इस तरह से कम करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हम कम करेंगे इस तरह से, बाकी चीज़ें ठीक हैं, इसका साइज़ हम कम करेंगे, बाकी चीज़ें आपको अगर एडिट करनी है तो कर सकते हो, ये ठीक है। इमेजेस हम छोटी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अभी हम इसको अपडेट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है और बटन वाला जो काम है फॉर डेस्कटॉप, और जब हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में मोबाइल में देखेंगे तो फॉर मोबाइल, ये चीज़ें भी हो चुकी हैं और ये हमारा जो पेज है वो रेडी हो गया है। ये हमारा जो मेन जो पेज मैंने उनको डिलीवर किया था वो पेज है, और ये हमने फ्री एलिमेंटर जो पेज बनाया है वो पेज है। देखिए यहाँ पे कलर्स जो हैं वो मतलब कॉमन नहीं है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, कुछ अलग है, तो ये मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए बताया है। कलर आप आराम से चेंज कर सकते हो और ग्लोबल कलर का ही यूज़ कीजिएगा आप, ताकि जो सारी जो वेबसाइट में या फिर पेज में जो कलर है वो सेम रहें, हर जगह सेम कलर आपको यूज़ करना है। जैसे अगर यहाँ पे ग्रीन ये वाला यूज़ कर लिया और मेन ये कलर ग्रीन है, तो यहाँ पे अगर आपको ग्रीन कलर का यूज़ करना है तो सेम वही कलर आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कलर को आप मेंटेन करना है, फॉन्ट को भी आपको मेंटेन करना है। इस तरह से हमने इस पेज को डिज़ाइन कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, डिज़ाइन करने के बाद में जो है वो कस्टम ऑफर आपने देखा होगा पिछली वीडियो में सेंड किया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में डायरेक्ट जो ऑर्डर पेज है इस तरह से क्रिएट हो गया था। $160 का ऑर्डर था और कुछ भी मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं मांगी थी, फाइवर चॉइस ऑर्डर भी था, ये डिटेल नहीं मांगी थी, तो सिर्फ ऑर्डर डायरेक्टली स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में मैंने इसको ऑर्डर को डिलीवर किया इस तरह से जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे लिंक दे दिया और जो भी मैं लिखना था उसके बारे में मैं लिख दिया और साथ में एक स्क्रीनशॉट जो होता है वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद में इनका जो रिव्यू है वो कुछ इस तरह से है, हाईली रिकमेंडेड, फास्ट, एफिशिएंट एंड वेरी वेल टू कम्युनिकेट, और एक टिप भी इन्होंने दी थी, तो मैंने ये जो है उनको बैक रिव्यू जो करना होता है वो इस तरह से मैंने इसको कर दिया। तो ये था जी इस वीडियो में कैसे मैंने ये पेज को डिज़ाइन किया, कैसे मैंने इसको डिलीवर करके कैसे मैंने जो उन्होंने रिव्यूज़ है वो मेरे को प्रोवाइड किया। तो आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी किस तरह से मैंने सेक्शन को डिज़ाइन किया है, किस तरह से जो एडवांस चीज़ में बोला था, मतलब एडवांस भी नहीं बोल सकते उसको, अलग चीज़ जो बोला था मैंने कि डेस्कटॉप में अलग शो हो, मोबाइल में अलग शो हो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको डिज़ाइन करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें आप फ्री एलिमेंटर से कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रो ही चाहिए, अगर क्लाइंट प्रो मतलब नहीं ले सकता है या आपके पास में प्रो नहीं है तो फ्री से भी सेम चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें सेम कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें पेज में देखा कि जो टेस्टिमोनियल का सेक्शन है वो हम वैसा नहीं बना सकते थे, लेकिन वो भी बना सकते हैं अगर थोड़ा सा रिसर्च करके कुछ एक प्लगइन्स हम ढूंढ लें तो वो स्लाइडर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आपने देख लिया सारा कुछ कैसे मैंने ये पेज को बनाया और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है
वीडियो का बैक करके दोबारा देख सकते हो, या फिर कुछ फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये चीज़ें यहाँ पे कैसे आपने कर दी, या फिर कोई और भी सवाल है तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लाइव ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।